महाकौशल कला और वाणिज्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हाल में घोषित बीकॉम तृतीय वर्ष के रिजल्ट को लेकर आक्रोश जाहिर किया है। इसे लेकर उन्होंने एमपी स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन किया और प्राचार्य से दोबारा मूल्यांकन कराए जाने की मांग रखी। जोरदार नारेबाजी करते हुए महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर पहुंचे एमपी स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों ने यहां घोषित परीक्षा परिणामों पर आक्रोश जाहिर किया। जैसे ही विद्यार्थी नारेबाजी करते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार पर पहुंचे, पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी देर तक तूतू-मेमू हुई। प्रदर्शनकारी छात्र प्राचार्य से मुलाकात की मांग कर रहे थे। काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्राचार्य से मिलवाया गया। विद्यार्थियों ने कहा कि हाल में घोषित बीकॉम तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणामों में 53% छात्रों को सेकंड डिवीजन दिया गया है, जिससे उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। पिछले दो दिन पूर्व जो है बीकॉम थर्ड ईयर का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें 53% बच्चे ऐसे थे जिनके 60% से कम नंबर थे। आज हम सभी छात्र जो है बीकॉम थर्ड ईयर के आए थे प्रचार महोदय से बात करने कि ऐसा रिजल्ट किस काम का जिसमें छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। ना वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ना किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होगा पाएंगे। तो प्रचार महोदय जी द्वारा कहा गया कि हम दो दिन के अंदर जो है समिति बना के छात्रों का रिजल्ट को जो सही करेंगे और पुनः मूल्यांकन करेंगे। परिणाम घोषित किया गया है जो कि बहुत ही छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य कर रहा है। ना कि अब वो छात्र आगे सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है, ना ही उनका केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो पाएगा, जिसको लेकर आज महाकौशल कॉलेज की प्राचार्य को ज्ञापन प्रदर्शन कर अपना छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया है। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने आगाह किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांग पर पुनः मूल्यांकन नहीं कराया गया तो वे उग्र आंदोलन करने मजबूर होंगे।